ये देखिए मेरी स्किन आपको अब देख के लग रहा होगा रिजल्ट क्या आया है। पार्लर में भी जाके इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद में आपको ये ग्लो नहीं मिलेगा जो आपको घर की डीआईवाईज में मिल जाता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा काले दाग धब्बे बन रहे हैं, अगर आपको अपना कलर टोन बहुत ज्यादा डार्क लग रहा है वेदर की वजह से, जैसे कि सर्दियां शुरू हो रही हैं, सर्दियों में बहुत लोगों की स्किन डल लगने लगती है क्योंकि ड्राई हो जाती है। सर्दियों में हमारी स्किन के ऊपर ड्राइनेस ज्यादा आती है जिसकी वजह से कालापन हमारी स्किन के ऊपर ज्यादा दिखता है, साथ ही साथ फाइन लाइन्स और रिंकल्स भी ज्यादा बनते हैं। तो ऐसी क्या चीज हम अपनी स्किन पे लगाएं जो स्किन को मुलायम भी करे, स्किन के कलर को भी इनहेंस करे, स्किन के काले दाग धब्बों से छुटकारा दिलाए, स्किन को मुलायम और सॉफ्ट रख के हमारी स्किन की टैनिंग को भी रिमूव करे। तो आज कच्चे दूध के साथ में किस प्रकार से आप अपनी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। मेरे डीआईवाईज में मैंने हमेशा आपसे कहा है कि किचन में जाइए, किचन में बहुत सारी चीजें जो आपके कलर टोन को ब्राइटन अप कर सकते हैं। आप मेरा कलर देख के जान ही सकते हैं, पुराने के वीडियोस एक बार जाके देख लो अगर जरा सा भी डाउट है तो। आज बहुत लोग सोचेंगे दी आपके फेस के ऊपर ये क्या है, तो ये जी पिंपल है, एक ही नहीं है दो तीन है जो छोटे छोटे, अब तो कम हो गए। करवा चौथ में क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हुई जिसकी वजह से वो मेरे फेस के ऊपर आ जाता है, ब्लड आ जाता है मेरे फेस के ऊपर, तो ये ब्लैक स्पॉट्स आ गए हैं, आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं देखा है तो व्लॉग चैनल के ऊपर जाके देख लो, मैंने वहां पे व्लॉग डाला हुआ है करवा चौथ वाले दिन का, रेखा सिंह लाइव व्लॉग का चैनल का नाम है अगर पहली बार देख रहे हैं तो। आज की इस रेमेडी में मैं जो चीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वही कमाल है जो इसको फेड आउट किया है, क्योंकि मैं इसको दो दिन से यूज कर रही हूँ, मुझे इस चीज को हटाना था और बहुत ज्यादा फेड मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। हमें क्या करना है, हमें ऐसी चीज लगानी है जो हमारे कलर टोन को भी ब्राइटन अप करके काले दाग धब्बों से हमें छुटकारा दिलाए। तो आज के जो फर्स्ट स्टेप है उसके लिए हमें लेना है कच्चा दूध। देखिए कच्चा दूध मतलब बिना उबला हुआ जो दूध होता है जिसमें कि क्रीम अभी नहीं बनी है, वो हमें लेना है 2 चम्मच, ठीक है जी। तो ये 2 चम्मच हमने कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध क्या करता है, कच्चे दूध में इतने सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं जो आपके कलर टोन को ब्राइटन अप करते हैं, आपके चेहरे के काले दाग धब्बों को हटाते हैं। इसमें लैक्टिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, साथ ही आपके कलर टोन को इनहेंस करके आपके कलर को अंदर से ब्राइटन अप करने में बहुत हेल्प करता है। स्किन के ऊपर अगर मेलेनिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो कच्चे दूध को आप रेगुलर लगाओ, आपकी स्किन के ऊपर धूप की वजह से जो पड़ने वाली यूवी रेज होती है उसके ऊपर बहुत बढ़िया काम करता है। दिन में 2 से 3 बार भी अगर आप दूध लगा लेते अपने चेहरे के ऊपर तो आप अपनी स्किन के सांवलेपन से आपको छुटकारा दिलाने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि सांवलापन कब आता है, जब हमारी स्किन के ऊपर धूप की जो किरणें होती है जो नुकसान पहुंचाती है हमारी स्किन को, प्रॉब्लम देती है हमारी स्किन के ऊपर, उसके ऊपर अगर आप दूध लगाते हैं तो दूध उस चीज को हटाने का काम करता है। दूध को लगाने के बाद में अगर आप 2 से 3 मिनट की मसाज करते हैं और उसके बाद अगर आप कॉटन से पोंछते हैं अपनी स्किन को, आप देखेंगे ब्राउन कलर का दूध निकलता है, जबकि होता व्हाइट है, लेकिन जब आप अपनी स्किन के उसको पोंछते हैं तो वो ब्राउन कलर का आपकी स्किन के ऊपर से हटता है। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन की जितनी भी गंदगी होती है उसको वो हटा देता है, डीप क्लीन करता है। तो हमने लिया है 2 चम्मच कच्चा दूध, लेकिन सिर्फ कच्चा दूध ही नहीं लेना है, इसके साथ में मैं इसमें डालने वाली हूँ हमारी पिंपल्स का एक इलाज। उसके लिए मैं यूज करूंगी जी कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी अगर हल्दी आपके पास नहीं है आप किचन वाली हल्दी भी ले सकते हैं, चुटकी भर लीजिएगा, ज्यादा नहीं चाहिए हमें। तो देखिए इतना सा लिया है, आपको हल्का सा कलर चेंज दिखेगा, कांच का बाउल इसीलिए लिया जाता है ताकि आपको पता चले कि हम इंग्रेडिएंट क्या ले रहे हैं। सिर्फ ये 2 चीज नहीं है, 1 चीज और लास्ट में हमने इसमें ऐड करनी है जो कि है हनी, ठीक है। हनी क्या करता है, हम हनी में पाए जाते हैं बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, अगर आपकी स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है तो हनी आपके उस बैक्टीरिया के ऊपर बहुत बढ़िया से काम करता है, ठीक है जी। तो ये ले लिया हनी, अब इसको लगाना कैसे है, हमने इसको लगाना है कॉटन की हेल्प से, हाथ से लगाएंगे, हाथ से भी लगा सकते हैं लेकिन क्योंकि मैं कैमरा पे बैठी हूँ और नीचे इधर गिरेगा तो कोई मतलब नहीं है, आप हाथ से भी लगा लीजिएगा अगर आप अपने घरों में कर रहे हैं। मैं कॉटन से लगा रही हूँ क्योंकि मुझे सामने आपको दिखाना है। इसके पहले एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके फेस के ऊपर किसी भी प्रकार को कोई बेस है, कोई मेकअप है तो उसको हटा दीजिएगा डेफिनेटली। मेरे फेस के ऊपर कोई बेस नहीं है, कोई मेकअप नहीं है, आप देख सकते हैं एकदम क्लीन है मेरा फेस। सिर्फ मैंने मेरा मॉइस्चराइजर लगाया हुआ जो कि मैंने घर पर बनाया था, जो आपको मैंने 2 या 3 वीडियोस पहले दिखाया था, जो मॉइस्चराइजर मैंने घर पे बनाया था वही अप्लाई किया हुआ है और कुछ नहीं, बाकी मेरी लिपस्टिक और काजल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं डायरेक्टली इस क्रीम को, इस दूध को अपने फेस के ऊपर लगा रही हूँ। लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कितना ज्यादा कालापन आपको मेरी स्किन से निकलता हुआ दिखेगा। तो एक कॉटन स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बाल बांध लूं। देखिए कभी भी आप रेमेडीज करते हैं ना तो अपने बालों को हमेशा बांध लिया कीजिए ताकि आपकी रेमेडीज का पूरा आपको बेनिफिट मिल सके, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, अब ये अच्छे से आपको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है करते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आपको लगाना है, बढ़िया से इस तरह से आप लगा लीजिए बढ़िया से।
पूरे फेस के ऊपर लगाइएगा, बिल्कुल भी कोई एरिया छोड़िएगा नहीं। तो आप अपने नेक के ऊपर भी लगाइएगा, क्योंकि गर्दन भी हमारी सामने ही दिखती है फेस के साथ में ही। तो अगर आपका फेस गोरा हो जाएगा, आपकी गर्दन काली लगेगी, तो बहुत बुरा लगेगा दोस्तों, बिलीव मी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लगा लीजिए अच्छे से, और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ठीक है, तो कह दूं आपको, इसको करने के बाद में ही आपको अपने फेस के ऊपर थोड़ा सा चेंज दिख जाएगा। फर्स्ट स्टेप के बाद में ही आपको अपने चेहरे के ऊपर चेंज दिखेगा। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। आपका कलर टोन ब्राइटन अप लगेगा आपको खुद से पहली बार में ही। पहला स्टेप है ये क्लींजिंग का, और अगर आपने बहुत दिन से अपने फेस पे क्लींजिंग नहीं किया है, आपको अपने कलर में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई देगा। ये देखिए, इस तरह से हमने लगाया। अब हमें करनी है 2 मिनट की मसाज। बढ़िया से मसाज दीजिए अपने चेहरे को 2 मिनट तक, अच्छे तक राउंड राउंड करिए। अगर आप बहुत दिन बात कर रहे हैं तो 5-7 मिनट कर लीजिए अच्छे से, ताकि जितने भी आपके फेस के अंदर डर्ट मैल पॉल्यूशन हो, अंदर डीप तक जो हो, वो सब का सब निकल जाए। ठीक है जी, तो ये देखिए इस तरह से हम कर लेते हैं। और अभी के अभी आपको पहले स्टेप में ही मैं आपको दिखाऊंगी कॉटन के ऊपर कितना ज्यादा कालापन निकला है। एक खाली कॉटन लीजिए और उससे अपने फेस को एक बार क्लीन करके देखिए। वैसे आपको इसको हटाना नहीं है, इसको लगे रहना है, रहने देना है, क्योंकि इसके ऊपर ही अब हम दूसरा वाला स्टेप करेंगे। लेकिन क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि कितना साफ होता है दूध लगाने के बाद में आपका फेस, आपको दिखेगा। ये देखिए, दिख रहा है कालापन कितना निकला है। येलो येलो तो दिख ही रहा है, साथ में कालापन भी दिख रहा है। दिख रहा है ना, पार्लर में भी जाओगे ना तो भी इतने बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको जितना घर की रेमेडीज से आपको मिल जाता है। ये देखो, एकदम साफ हो जाता है फेस। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, हमें अपना सेकंड स्टेप तैयार करना है, जो आपके काले दाग धब्बों से आपको छुटकारा दिलाएगा। स्किन के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का पैच बना हुआ है, डार्क स्किन हो गई है, सांवली पड़ गई है, पिगमेंट आ गया है, या सन टैनिंग बहुत ज्यादा हो गई, उसके ऊपर सेकंड जो हमारा पैक है वो काम करेगा। उसके बाद में लास्ट में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी क्रीम जो आपको अपनी स्किन के ड्राइनेस से छुटकारा दिलाएगी। जैसे कि विंटर शुरू हो गए हैं, सर्दियां शुरू हो गई है, और सर्दियों में बहुत लोग की स्किन इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती है कि क्रैक्स पड़ जाते हैं गाल के ऊपर। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के भी क्रैक्स पड़ जाते हैं और काले हो जाते हैं वो स्किन ना। तो ये जो क्रीम मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आप बच्चों को भी लगा सकते हैं, किसी भी एज को लगा सकते हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़ी उम्र तक के, जिनकी भी स्किन ड्राई बहुत ज्यादा होने वाली है, उनके लिए ये क्रीम बहुत सुपर काम करने वाली है, जो कि मैं आपको तीसरे स्टेप में बताऊंगी। लास्ट में बहुत छोटा सा टिप है जी। तो हमें इसी दूध में ही थोड़ा सा दूध और ऐड करना है, क्योंकि कम पड़ेगा। 1 चम्मच दूध हम और ऐड करते हैं। ठीक है, ये हमने लिया दूध में हमने ऐड करना है 1 चम्मच बेसन। ठीक है, चने की दाल का बेसन है और थोड़ा सा दरदरा वाला है, क्योंकि मैं DIY करती हूँ, तो मैंने हल्का सा दरदरा वाला बेसन अपने लिए पिसवा के रखा हुआ है, जो कि स्क्रीन के हमारी स्किन के स्क्रबिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप कड़ी वाला बेसन आपके पास है तो भी आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो हमने 1 चम्मच ये ले लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा हनी ऐड करेंगे और, ठीक है, क्योंकि पहले वाला जो हनी था वो तो यूज आ गया उसमें, और इसमें हमें हनी और चाहिए। तो ये मैंने ले लिया हनी। इसके साथ में मैं एक चीज वो डाल रही हूँ जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, लेकिन ये बहुत यूजफुल है। अब तो इतना बच गया, इतना ही हो गया, हाँ खत्म होने वाला ऑलमोस्ट। ये पाउडर आपको किस प्रकार से बनाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें है मसूर दाल। ठीक है, मसूर दाल क्या करती है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करती है, आपकी स्किन के कलर टोन को एनहेंस करती है, ब्लीच करती है, पॉलिशिंग करती है, आपकी स्किन के ऊपर जमी हुई जो मैल होती है, स्किन होती है, डेड स्किन होती है, उसको हटाती है। तो इसके अंदर वही है। सेकंड है इसमें चावल का आटा। तो मैंने मिक्स करके बनाया हुआ एक्चुअली ये वाला पाउडर। ये मैं आपको एक एक इंग्रेडिएंट बताने से बेटर है कि आप इसका जाके ना वीडियो देख लीजिए। ये जो ऊपर आपको वीडियो दिख रहा है इसी का ही है, इसके ऊपर क्लिक करिए, और नहीं तो मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप वहां से जाके इस पाउडर को बनाने का लिंक आप देख सकते हैं, मतलब ये पूरी बॉडी के ऊपर भी लगा सकते हैं। बॉडी पॉलिशिंग भी है बहुत बढ़िया से, ये स्किन को बहुत बढ़िया से स्क्रब करती है, पॉलिश करती है, स्किन के ऊपर जमी हुई पुरानी से पुरानी मैल डर्ट पॉल्यूशन को एक झटके में हटाती है। बहुत ज्यादा दरदरा है ये। ठीक है, तो मैंने 1 चम्मच लिया है, ये बहुत बढ़िया से हमारी स्किन को अब पॉलिशिंग करेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ठीक, अगर आप ब्रश के साथ करना चाहते हैं आप ब्रश से कर सकते हैं यूज अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई करने में, और नहीं तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से अभी हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, उसके बाद बताती हूँ नेक्स्ट में क्या करना है। पहले अच्छे से लगा लेते हैं। ठीक है जी, देश दुनिया में देखेंगे तो आप चाइनीज वुमेन्स को देखिए, उनकी स्किन कितनी ज्यादा ब्राइटन अप होती है। क्यों? क्योंकि अपनी स्किन के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने खान पान के ऊपर, अपने डेली रूटीन के ऊपर,
कि उनकी उम्र चाहे कितनी भी हो जाए वो लगती नहीं है कि उतनी उतनी एज है उन लोगों की। ठीक है जी, तो ये देखिए इस तरह से हमने लगा लिया अच्छे से। अब हम ना थोड़ी सी मसाज करेंगे, लास्ट में हमें जो क्रीम मैं बताऊंगी उसमें भी हम मसाज करने वाले हैं। तो मसाज उनको ज्यादा करना है यहाँ पर जिनकी स्किन के ऊपर पिगमेंट है। अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा सन टैनिंग हो रखी है, पिगमेंट है, या फिर नाक के आसपास का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा आपको ड्राई लग रहा है, हार्ड लग रहा है, इट मीन्स आपकी स्किन के ऊपर डेड स्किन आ चुकी है, तो उसको हटाने के लिए आपको मसाज जरूर करनी है। ठीक है, ये इस तरह से आपको करना है और उस एरिया में ज्यादा करिएगा जहां पर आपको पिगमेंट ज्यादा लग रही है, टैनिंग आपकी स्किन के ऊपर ज्यादा बनी हुई है। ठीक है, ज्यादा मसाज नहीं किया है, लेकिन अगर आपकी स्किन के ऊपर आप बहुत दिन बाद कोई रेमेडी कर रहे हैं तो आप प्लीज अपनी स्किन के ऊपर 5 से 7 मिनट की मसाज कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसी को लगा के हमें छोड़ना है सूखने के लिए। सुखाना कितनी देर है, हमें इसको सुखाना है 5 से 7 मिनट के लिए। और क्योंकि जब आप पूरा ड्राई करते हैं उसके बाद आप पोंछते हैं तो स्किन काफी ज्यादा खिंचती है। ठीक है, तो हमें वो काम नहीं करना है, सेमी ड्राई करना है, 7 से 8 मिनट में सेमी ड्राई हो जाएगा। देखिए क्या ग्लो आया है। पार्लर में भी जाके इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद में आपको ये ग्लो नहीं मिलेगा जो आपको घर की DIYs में मिल जाता है, और वो भी सिर्फ 5 से 10 रुपए में। तो भी आपको कदर नहीं होती है, तो भी लोग पूछते हैं यार इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं। अरे करके तो देखो यार एक बार। देखिए मेरी स्किन में कितना ज्यादा आपको चेंज लग रहा होगा अभी, क्योंकि लगाने के तुरंत बाद आपको रिजल्ट कोई कोई रेमेडीज बहुत ज्यादा दिखाई दे देती हैं। देखो आपको वो जो निशान था वो भी लाइट लग रहा होगा, एकदम लाइट लग रहा होगा पहले से, है ना। अब हम तैयार करते हैं वो वाली क्रीम। इसके लिए हमें क्या लेना है, हमें लेना है 1 विटामिन ई का कैप्सूल। ठीक है, 1 विटामिन ई का पूरा नहीं लगेगा कैप्सूल ये। इसके साथ में हमें लेना है एलोवेरा जेल, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ पे, मैंने इतना लिया है सिर्फ, ये थोड़ा सा ही लिया है मैंने। और इसमें हमें डालना है विटामिन ई कैप्सूल का 1 से 2 ड्रॉप। ये मैं अभी के लिए बता रही हूँ आपको, अगर आप रोज फ्रेश बना के लगाना चाहते हैं तो आप फ्रेश भी लगा सकते हैं जिस तरह से मैं बना रही हूँ। अगर आप बना के किसी डिब्बे में रखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाला हुआ है, आप यहाँ पर चले जाएंगे ये वाले वीडियो के ऊपर, यहाँ पर आपको मेरा ये वीडियो मिल जाएगा जहां पर मैंने प्रॉपर वे में आपको इस क्रीम को बनाना सिखाया है। तो ये देखिए 1 ड्रॉप मैं इसमें डाल रही हूँ, 1 से 2 ड्रॉप एक्चुअली, बस इतना ही लेना है। ठीक है, आप ज्यादा भी बना के रख सकते हैं, मैं अभी के लिए आपको बता रही हूँ। इसका डिटेल वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। देखिए इसका क्रीम का कलर चेंज हो गया, ये देखिए अब आपको ट्रांसपेरेंट जो जेल था वो उसकी जगह पे आपको प्रॉपर एक क्रीम दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये हमने बना ली। इसको हमने लगाना कैसे है, ड्रॉप ड्रॉप करके लगाना है, मतलब डॉट डॉट पहले लगाइए अच्छे से अपने फेस के ऊपर बढ़िया से। इसको आपको करना कब है ये भी मैं आपको भी बताती हूँ। इसको आपको करना है रात को जब आप सोने जाने वाले हैं, जस्ट सोने जाने से तुरंत पहले आपको इसको लगाना है, उसके पहले नहीं लगाना है आपको। क्योंकि उसके पहले अगर मान लीजिए आपने पहले लगा लिया और फिर आप काम वाम कर रहे हो तो ये सारी की सारी क्या होगी, पुछ जाएगी, पसीना आएगा, सब निकल जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसको रात को सोने जाने से पहले इसलिए लगाना है क्योंकि सोते वक्त हमारी स्किन अपने आप को रिपेयर करती है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने इसको लगा लेना है और उसके बाद आपने करनी है मसाज। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी क्रीम को लगाने के बाद में आपको अपने फेस के ऊपर मसाज जरूर करनी चाहिए, स्पेशली जो आपके रिंकल्स और फाइन लाइंस वाली क्रीम है। ठीक है जी, करना है और ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाना है, हर स्टेप को 3 बार करना है और सारे के सारे स्टेप्स आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है। आंखों के आसपास अगर बहुत ज्यादा काले घेरे बन गए हैं तो आपके आंखों के काले घेरों के ऊपर बहुत बढ़िया काम करेगी, मैजिक का काम करेगी रिंकल्स और फाइन लाइन के साथ में। आपकी स्किन की पफिनेस जो आंखों के नीचे यहाँ पे बैग्स बन जाते हैं ना फूले फूले से, उसको भी हटाएगी और बढ़िया से आपकी स्किन को फर्म बनाएगी, मुलायम बनाएगी, स्किन को एक बहुत बढ़िया वाला मॉइस्चर देगी। ठीक है जी, ये आपको करना है। ये देखिए मेरी स्किन आपको अब देख के लग रहा होगा रिजल्ट क्या आया है, बेस्ट रिजल्ट आता है बेस्ट रेमेडीज का। तो इसको करना जरूर है, करने के बाद में रिजल्ट मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है जी, तो करिए और उसके बाद आके मुझे इसका रिव्यू शेयर करिए। व्लॉग अगर पसंद करते हैं, व्लॉग वीडियो पसंद करते हैं तो मेरा व्लॉग चैनल भी है जिसके ऊपर मैं अब एक्टिव हो गई हूँ, तो रेखा सिंह लाइव व्लॉग चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाके वहां पर भी अपना प्यार दिखाइए। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर छोटी छोटी रील्स लाती हूँ, अगर आप क्विक क्विक वाली रेमेडीज चाहिए तो आपको रील्स में देखने को मिल जाएंगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।